तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने वाले फ्रेंड्स अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ला लेना है। लाने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, और आप लोग यहाँ पे स्टा साइज ले लेंगे फ्रेंड्स, और हल्का से यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे नीचे की तरफ से, और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेंगे। तो रिसाइज से क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी बैकग्राउंड को लो क्वालिटी होती है वो हाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड का साइज कर लेते हैं, तो 3233 डाले हैं, तो यहाँ पे ले चुका है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे नीचे आना एड फोटो पे, और यहाँ पे सबसे पहले अपने मॉडल पीएनजी को और अपने दोनों को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ, अगर आप लोग को इरेज करना नहीं आता होगा तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर वीडियो को देख लीजिए पूरा फुल एचडी में कैसे इरेज करते हैं। तो यहाँ पे सेट कर लेंगे अपने मॉडल पीएनजी को अच्छी तरह से दोनों को। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैं सेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को सेम टू सेम वैसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले इरेज पे जाएंगे और लोगो को हटा लेंगे यहाँ पे। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे देखिए कुछ पीएनजी को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ से अपने पीएनजी को ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपने फोटो को इस वाले पीएनजी को इस साइड में करेंगे, इसको भी साइड में कर लेंगे फ्रेंड्स, और अपने फोटो को ज़ूम करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस पीएनजी को लगाएंगे, अपने मतलब लीलार पे ऐसे टिका ऐसे लगा लेंगे। और फ्रेंड्स क्या करना है, इस वाले पीएनजी को लेना है, इसको यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइड कर लेंगे गाइस, और इस वाले पीएनजी को लेना है, तो इसको ले लेंगे फ्रेंड्स ऐसे जूम करके, इसको भी सेट कर लेंगे यहाँ पे। और इस वाले पीएनजी को लेंगे फ्रेंड्स, सॉरी इस वाले पीएनजी को लेंगे, इसको पूरा फुल डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसे रोटेट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे मॉब डाउन कर लेंगे, सारे मॉब डाउन कर लेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा ये पीएनजी। अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ से डन करना है आप लोग को। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे आना है और यहाँ से कुछ और पीएनजी को ऐड करना है। इस दो पीएनजी को लेना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे नीचे सेट करना है। और इस वाले पीएनजी को भी यहाँ पे नीचे सेट करना है, इसको मोब अप कर लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पूरा फुल डिस्प्ले कर लेना है आप लोग को ऐसे। अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, फाइनल डन कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सारा पीएनजी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब आप लोग क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है और एडजस्ट पे जाना है, हल्का से फ्रेंड्स ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और इरेज पे जाना है, इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, अपने फोटो को ज़ूम करना है, गर्ल्स वाले पीएनजी पे लाइट दे देना आप लोग को अपने मतलब, और यहाँ से डन करना है हल्का सा, और इसको माइनस में रखना है, और सिचुएशन को भी हल्का सा माइनस, इसको मैच कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे आना है डॉट टूल में, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव कर लेना है, और अपनी फोटो को ले चलना है लाइट रूम के अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे लाने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, लाइट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे कंटेस्ट को हल्का से माइनस में रखेंगे, हाईलाइट को भी, और शेडो को हल्का सिंक्रेज कर लेंगे फ्रेंड्स, व्हाइट को भी हल्का सिंक्रेज, और ब्लैक को हल्का सा माइनस में रखेंगे। और फ्रेंड्स कलर पाएंगे, अम्बांस का ऑप्शन मिलेगा हल्का से इसको इंक्रीज कर लेंगे, और मिक्स पे जाएंगे, सेकंड कलर पाएंगे इसका सिचुएशन को हल्का सा माइनस में रखेंगे, लुमिनस को इंक्रीज कर लेंगे, और वोई को भी हल्का सिंक्रेज, और फर्स्ट वाले कलर पाएंगे इसका सिचुएशन को हल्का सिंक्रेज कर लेना है फ्रेंड्स, और लुमिनस को भी। और फ्रेंड्स क्या करना है आप लोग को, येलो कलर पे आना है, इसका सिचुएशन को हल्का सा माइनस में रखना है हल्का से एकदम फ्रेंड्स, और अपने कपड़े कलर आप लोग अपने हिसाब से रख लेना है यहाँ पे, और यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स, इस पे आना है,
हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज करना है और टेक्सचर को भी, और यूनिट को हल्का सा माइनस। और फ्रेंड्स क्या करना है, इस पर आना है, हल्का से सर्फ नॉइस को इंक्रीज करना है और मैकिंग को भी, नॉइस को भी, कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस को भी, लास्ट में दोनों ऑप्शन को 100 कर देना आप लोग को और इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है फ्रेंड्स। अब आप लोग क्या करना है, ब्रश पे क्लिक करना है और आप लोग को ऐसे अपने चेहरे पे से ड्रॉ करना है और यहाँ पे कलर पे आना है फ्रेंड्स। हल्का टेम्परेचर को हल्का सा देखें, यहाँ पे इंक्रीज करना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस पे आना है और यहाँ पे व्हाइट को चूज कर लेना है और हल्का से इसको माइनस में रखना है नीचे की तरफ और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, फाइनल फोटो एडिट हो चुकी है आप लोग को। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को फोटो को पूरा फुल HD में करना है तो लास्ट में रिमेनिंग एप्लीकेशन को यूज कर लीजिएगा, बहुत सारे मैं वीडियो में बताया हूँ। तो फोटो जो होती है फ्रेंड्स आप लोग को HD में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।